नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, कल का मैच शायद सब लोगों का बहुत बढ़िया गया होगा। जो भी हो, प्रिडिक्शन कल काम कर गया। एनीवे, आज की भी मैच हम देखते हैं। आज की जो मैच है वो अफगानिस्तान और आयरलैंड के बीच की है। तो आज के मैच में भी कुछ हम उस तरीके से रिसर्च करते हैं। मैंने हालांकि कुछ रिसर्च कर लिया है और देखते हैं कि क्या रिपोर्ट है और किस तरीके से स्टेट्स हमारे लिए जीएल ट्रंप प्लेयर जो होते हैं ना, उनको बाहर निकाल के लेके आ रहा है। तो बेसिकली दोस्तों, कल के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। कल मेरे को कुछ प्रेडिक्शंस थे जो बिल्कुल मेरे को कंफर्म था कि ये वो प्लेयर थे, जबकि मैंने वीडियो में बोला भी था आप लोगों को कि ये प्लेयर को आप रख लेना। मैंने सारी टीमों में उन प्लेयर्स को रखा था, बस कैप्टन वाइस कैप्टन को रोटेट करना था। बेसिकली जब टीम लगाने के टाइम आई, लाइनअप्स आया था, उस टाइम में थोड़ा सा बाहर था, कहीं बिजी था, तो मेरा माइंड बिल्कुल उस टाइम पे कंफ्यूज था कि क्या करना है। क्योंकि जब देखा मैंने कि लाइनअप्स आ गया है, तो बहुत जल्दी जल्दी मैंने कि क्या होता है। तो एनीवे, कल के मैच लोगों के कमेंट भी आए अच्छे अच्छे बहुत प्यारे प्यारे लोगों ने कमेंट किया, और आप लोगों को तहे दिल से बहुत शुक्रिया। आप मेरी वीडियो को बहुत प्यार दे रहे हो और मेरा प्रेडिक्शन आप लोगों को अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, मेरी कोशिश यही है कि हमेशा इस तरीके से हम चीज़ों को एनालिसिस करके लेके बाहर लेके आए। हो सकता है कि मैं कभी गलत भी हो जाऊं, हो सकता है कभी सही भी हो जाऊं, लेकिन 10 में से 7 बार मैं सही होऊंगा, 3 बार गलत होऊंगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। क्योंकि दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें सोच समझ के रिसर्च करने के बाद मैं सारी चीज़ें बताता हूं। पहले मैं पूरी रात जग के इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करके निकालता हूं, बाहर निकालता हूं उन चीज़ों को, कि कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो कल के मैच में और ट्रम कार्ड साबित होंगे। मैच का फॉर्मेशन किस तरीके से होना चाहिए, मेरे फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो टीम आप क्रिएट करते हो ना, वो टीम का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, पैटर्न क्या होना चाहिए। टीम का पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट करता है। तो आज की भी टीम का पैटर्न ना, मैंने मेरे दिमाग से जो चल रहा है, मेरे माइंड में जो चल रहा है कि शायद आज का पैटर्न कुछ अलग होने वाला है, और आज का जो मैच है अफगानिस्तान और आयरलैंड का बिल्कुल अलग होगा मेरे फ्रेंड्स। मतलब कि दोनों टीमों ने दो दो मैच जीत रखे हैं और ये फाइनल मैच है, जो मैच जीतेगा वो सीरीज जीतेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आज का जो मैच है मेरे फ्रेंड्स, दोनों टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब इस कंडीशन में होगा तो दोनों टीम अपनी अपनी ताकत पूरी तरीके से झोंक देगी। इस कंडीशन में मेरे फ्रेंड्स, पता है क्या होता है, या तो मैच वन साइडेड होता है या फिर तहस नहस हो जाती है। कहने का मतलब यह है, या तो बैट्समैन धुआंधार पारी खेलेंगे या फिर बॉलर अपना काम करके दिखाएंगे। टीम ज्यादातर फाइनल मैच जब आप देखते होगे ना मेरे फ्रेंड्स, वो वन साइडेड हो जाती हैं। वन साइडेड इसलिए हो जाती हैं, या तो बॉलर कमाल कर जाते हैं या बैट्समैन कमाल कर जाते हैं, लेकिन ज्यादातर केस में फाइनल मैच वन साइडेड हो जाता है। यहां भी वही केस होगा। अब बात करते हैं कि ये मैच कहां होने वाली है। ये मैच भी मेरे फ्रेंड्स बेलफास्ट के अंदर ही होने वाली है, उसी ग्राउंड के अंदर होने वाली है, बट उस पिच पर नहीं होगी। आई थिंक कि नहीं होगी। रीजन क्या है कि 4 मैच तो हो चुके हैं, ये फाइनल मैच है। मुझे लगता है इस मैच में फ्रेश विकेट का इस्तेमाल किया जाएगा। तो मेरे फ्रेंड्स, क्या होगा, फ्रेश विकेट का इस्तेमाल किया जाएगा तो क्या होगा, अब मैं आपको इस बारे में बताता हूं। सबसे पहली बात दोस्तों, अगर फ्रेश विकेट का इस्तेमाल होगा तो हो सकता है कि जो ग्राउंड का जो पिच हो वो बैटिंग फ्रेंडली हो, बैलेंस्ड हो या बॉलिंग फ्रेंडली हो। बट मैं अब आपको बता रहा हूं, बॉलिंग फ्रेंडली तो होगा नहीं। दूसरा, बैलेंस्ड हो सकता है। तीसरा, बैटिंग फ्रेंडली हो सकता है। आज जो आयरलैंड और अफगानिस्तान का जो मैच होने वाला है, इस मैच के अंदर मुझे लगता है कि बैलेंस्ड विकेट रहेगा, और इस विकेट के ऊपर हमें टीम का फॉर्मेशन किस तरीके से तैयार करनी है, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसके अंदर क्या है, जैसे कि कल मैंने बताया था द 100 के मैच के अंदर जो बताया था दोस्तों, सबसे पहले तो मैं उन लोगों को, जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मेरा वादा है, हम सब ग्रैंड लीग जीतेंगे, पक्का जीतेंगे, 100% जीतेंगे। टीम का प्रेडिक्शन जिस दिन आपकी किस्मत चलेगी ना, आपका दिन होगा, वो दिन आपके जीएल का दिन होगा, ये मेरा वादा है। दोस्तों, क्या होता है ना कि प्रेडिक्शन और किस्मत, लोग कहते हैं किस्मत किस्मत नहीं चलते हैं, लेकिन किस्मत को आपको मानना पड़ेगा, किस्मत चलती है, हर किसी का एक दिन होता है। मैं आपको इस पर एक बहुत अच्छी वीडियो बना के लेके आऊँगा कि क्यों, कैसे। जैसे अभी BBL आने वाला है, अभी वर्ल्ड कप आने वाला है, T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, और इसके बाद बहुत सारे मैचेज हैं IPL। मेरे फ्रेंड्स, इस IPL में ना, मैं वादा करता हूँ लोगों को,
मतलब फाड़ के जीतेंगे सब ग्रैंड लीग। मैं सिर्फ ग्रैंड लीग के बारे में बात करता हूँ, स्मॉल लीग के बारे में मैं कोई बात नहीं करता। दोस्तों ग्रैंड लीग जीतना है, सपने देखते हो करोड़ों कमाने का, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और रिस्क लेना पड़ेगा। और यही मैं हमेशा अपने वीडियो में कहता हूं कि बिना पेशेंस और बिना रिस्क लिए आप कुछ नहीं कर सकते हो। अगर आप ये सोचोगे मेरे फ्रेंड्स कि आप रोज ग्रैंड लीग जीत जाओ, रोज आपकी टीम नंबर वन पे आए, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक ही दिन आपका दिन होगा। और मैं ये भी नहीं कहता कि आप एक बार जीत गए तो आप ग्रैंड लीग फिर कभी नहीं जीतोगे, ऐसा भी नहीं है। आप जीतोगे, लेकिन आप रोज अगर आप चाहो कि आपकी ग्रैंड लीग में टीम जो है हमेशा रैंक करती रहे, तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स आपको रैंक वन पर जाने के लिए 20 लाख 25 लाख 40 लाख 60 लाख लोगों को हराना पड़ता है, 60 लाख लोगों को अपने नीचे रख के तब आप एक नंबर पे जाते हैं, तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि वहां पे हो सकता है आपकी टीम, आपकी लॉजिक सब कुछ सही हो, लेकिन एक नंबर वाले की किस्मत अच्छी हो, आपकी किस्मत उस दिन अच्छी ना हो, तो ये सारी चीजें थोड़ी सी मायने रखती है। तो मेरे फ्रेंड्स हम जैसे कि कल के मैच में जो हमने डिस्कस किया था, उसके मैच में मैंने बताया था कि जेक बॉल, जंपा, सीनेबॉट, अंडे रसेल, ये फिल साल, ये सारे वो प्लेयर्स हैं, ठीक है, कि जो ड्रीम टीम के हिस्सा बनेंगे ही बनेंगे। और दोस्तों बने भी, प्रिटोरियस भी बने। आपने जो टेलीग्राम पे मेरे आपने देखा होगा जो मैंने टीम दिया हुआ है, उसके अंदर हर टीम में लगभग ये सारे प्लेयर हैं, टीम रोटेट किया है, बस कैप्टन और वाइस कैप्टन। हालांकि मुझे लग रहा था, मुझे इतना कंफर्म था कि जेक बॉल दो विकेट कम से कम लेकर जाएगा, जंपा भी दो विकेट लेकर जाएगा। मैंने वीडियो में बोला भी है, प्रॉपर तरीके से बोला भी है कि हो सकता है कि जंपा भी दो विकेट लेकर जाए, बॉल जेक बॉल भी दो विकेट लेकर जाए, और फ्रेड क्लासन खेले नहीं, लेकिन उसकी जगह पे जो आए थे वो एक विकेट लेकर गया था। एनीवे जेक बॉल चार विकेट लेकर गए, हमारे प्रेडिक्शन से थोड़ा सा बढ़ के काम किया, लेकिन किया तो सही हर टीम में। दोस्तों आप जब ग्रैंड लीग की टीम तैयार करते हो तो प्लेयर्स को रोटेट करो, आप जितना ज्यादा रोटेट करोगे आपकी टीम रैंक में उतनी ज्यादा रैंक करेगी। तो दोस्तों रोटेशन जरूरी है, अगर आपको रोटेशन में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताओ, मैं रोटेशन पे वीडियो बनाकर आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से प्लेयर्स को रोटेट करना है। कोशिश हमें यही करनी है मेरे फ्रेंड्स कि आपकी टीम में ड्रीम टीम यानी कि डीटी जो मार्क होता है ना, डीटी, तो डीटी मार्क के 11 प्लेयर आपकी टीम में जिस दिन होंगे वो दिन आपका होगा, और उसके अंदर आपके कैप्टन वाइस कैप्टन चलने चाहिए। लेकिन मेरे फ्रेंड्स मेरे कहने का मतलब ये है कि सपोज करो कि आपके 11 प्लेयर डीटी है, और उन 11 प्लेयर के अंदर कैप्टन वाइस कैप्टन अगर आपके कम पॉइंट भी दिए ना, तो भी आपकी टीम रैंक करेगी, तो भी रैंक करेगी। आप कभी देखना आपकी टीम में अगर 10 प्लेयर डीटी निकलेंगे ना, तो टीम आपकी अच्छी खासी जाती है ऊपर, भले आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन ना चले हों, लेकिन फिर भी जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो मेरे फ्रेंड्स अब मैं आता हूं स्क्रीन के ऊपर और आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से जो स्टैट्स है उसके अकॉर्डिंग क्या बाहर निकल के आया हुआ है, रिपोर्ट क्या कह रहा है, किस तरीके से अफगानिस्तान और आयरलैंड में हम टीम को क्रिएट करें। मेरे फ्रेंड्स वीडियो को पूरी देखना, इत्मीनान से देखना, निश्चिंत होकर देखो, अभी टाइम नहीं है मत देखो, थोड़ी देर बाद देख लेना, लेकिन जब भी देखना पूरी वीडियो को ध्यान से देखो मेरे फ्रेंड्स। जब आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आप टीम अच्छी तरीके से क्रिएट कर पाओगे। किसी टीम के ऊपर डिपेंड मत रहो, आप खुद से टीम क्रिएट करो। आप अपने माइंड में फिक्स कर लो कि आज के प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, इसके बाद उन प्रिडिक्शंस के अलावे आपको अपना इंस्टिंक्ट क्या कहता है, आपका दिल क्या कह रहा है कि क्या ये प्लेयर सच में चलेगा। अगर आपको लगता है कि वो प्लेयर नहीं चलेगा तो आप उसको हटा दो। तो जब भी आप टीम तैयार करो, प्रिडिक्शन के अलावे आप अपने दिल की भी बात सुनो और उसको ध्यान में रख के, उसको माइंड में रख के, और तब आप अपनी टीम क्रिएट करो। तो मेरे फ्रेंड्स अब चलते हैं हम स्क्रीन के ऊपर और स्टैट्स देखते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं। और सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो है जब हम टीम क्रिएट करते हैं उस टाइम पे आपको पूरी की पूरी फोकस रखना है इस चीज पे। स्टैट्स मैं बहुत जल्दी लेके चलता हूं क्योंकि पिछली बारी भी मैंने स्टैट्स बताया हुआ था और सेम स्टैट्स है, बस एक टीम एक मैच एक्स्ट्रा हुआ है। देखिए अफगानिस्तान की इनिंग है, चार मैच हुआ, चारों मैच में अफगानिस्तान पहले बैटिंग किया, अफगानिस्तान पहले बैटिंग की, दो मैच कंटिन्यू अफगानिस्तान हारी, दो मैच कंटिन्यू अफगानिस्तान जीती। यानी कि आयरलैंड सेकेंड इनिंग में बैटिंग करते हुए दो मैच जीती है और दो मैच कंटिन्यू हारी है। आज का मैच इंपॉर्टेंट है उन सबके लिए। ये देखिए फर्स्ट इनिंग में ये दो प्लेयर और ये दो प्लेयर,
दोस्तों इसके पहले मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं मेरे फ्रेंड्स कि क्या है कि हर टीम कंप्लीटली परफेक्ट नहीं होती, उसके कुछ पार्ट्स स्ट्रांग होते हैं, कुछ पार्ट्स कमजोर होते हैं। जैसे कि आयरलैंड जो है, आयरलैंड की बॉलिंग लाइनअप भी मजबूत है, बैटिंग लाइनअप भी मजबूत है, लेकिन क्या आपको लगता है कि आयरलैंड हर तरीके से परफेक्ट है? उस पर फोकस करना पड़ेगा। अफगानिस्तान क्या हर तरीके से परफेक्ट है? तो उसी तरीके से आप ये देखिए, हर मैच की हम रिपोर्ट देखते हैं। जैसे आयरलैंड अफगानिस्तान यहाँ पे पहले बैटिंग करी और यहाँ पे इनका ये स्कोर रहा। सेकेंड मैच में ये देखिए, थर्ड मैच में ये देखिए, फोर्थ मैच में ये देखिए। तो दोस्तों एक कॉम्बिनेशन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो पहला मैच हुआ था मेरे फ्रेंड्स, जो फर्स्ट मैच हुआ था, पहला मैच, उसी पिच के ऊपर मुझे लगता है कि ये मैच खेली जाएगी या फिर बिल्कुल फ्रेश विकेट इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, ये दूसरे विकेट पर, दूसरे पिच पर ये मैच खेली गई थी जिसपे ये कम स्कोर बना हुआ था। तीसरा जो मैच है ये फिर से उसी पिच पे खेली गई थी जिसपे पहला मैच खेला गया था, और ये फिर से उसी पिच पे खेली गई थी जिसपे दूसरा मैच खेला गया था। तो दोस्तों ये आप यहां पे देखने की कोशिश कीजिए कि हर मैच में कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो आपको ज्यादा से ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, चल रहे हैं। देखिए अफगानिस्तान एक एवरेज टीम है मेरे फ्रेंड्स। एवरेज टीम कहने का मतलब यह है कि इनकी जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है, बॉलिंग डिपार्टमेंट में फास्ट बॉलर तो हैं लेकिन स्पिनर नाम अच्छा खासा है, जैसे राशिद खान, मुस्तफिजुर रहमान, मोहम्मद नाबी, ये वो प्लेयर्स हैं जो इंटरनेशनल तरीके से हर लेवल पे वर्ल्ड वाइड ये खेलते हैं। ठीक है, कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो वर्ल्ड वाइड नहीं खेलते लेकिन उनको लोग जानते नहीं है, उनका बॉलिंग अटैक नहीं जानते कि वो किस तरीके से बॉलिंग करते हैं। जैसे उस दिन आया था एफ मलिक, 3 विकेट लेकर गए, एफ फारूकी भी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे थे। तो दोस्तों अब जो मेरे हिसाब से प्रेडिक्शन निकल के आ रहा है, सबसे पहले आप इनका बैटिंग लाइनअप देखिए कि बैटिंग लाइनअप क्या है। बैटिंग लाइनअप हम इस फोर्थ T20 आई से देखते हैं, फोर्थ T20 आई में लेटेस्ट वाला के अपडेट देखते हैं। देखिए हजरत जजाई, गुरबाज, इब्राहिम जडरान, नजीबुल्ला, नाबी, अजमतुल्ला, राशिद खान, अनशरफुद्दीन अशरफ, मतलब ये बैटिंग लाइनअप इनका फिलहाल हमारा को दिख रहा है। इसके बाद आयरलैंड का बैटिंग लाइनअप देखते हैं। आयरलैंड के बैटिंग लाइनअप में पॉल स्टर्लिंग, एंड्रू बेलविन, एल टक्कर, हैरी टेक्टर, डॉक्रेल, डेनेली, डिलेनी, मार्क अडायर, फिनहैन, मैकार्थी एंड सिमी सिंह। दोस्तों कुछ प्लेयर्स ऐड हुए हैं, मेरे ख्याल से आज आयरलैंड की तरफ से कुर्टिस कैंपर को खेलना चाहिए, इनको कुर्टिस कैंपर को खिलाना चाहिए, और अगर वो खेलते हैं तो किसी भी टीम में उनको ड्रॉप मत करना। दोस्तों जो मैं बोलता हूं उसे फोकस करना, मेरे लिए ट्रम्प कार्ड साबित होते हैं कि अगर कुर्टिस कैंपर खेलते हैं तो उनको किसी भी टीम में ड्रॉप मत करो। दोस्तों 5 से 6 प्लेयर आप ऐसे रखो जिनको आप डिफॉल्ट पिक मान लो, उनको रिमूव ही मत करो आप अपने टीम से, और बाकी के प्लेयर्स को रोटेट करो, और फिर बाकी में से इनको भले रोटेट कर लो लेकिन ज्यादातर मैच में इनको आप रोटेट करने के लिए मत रखो, डिफॉल्ट पिक में रखो। तो अब देखते हैं कि अगर बेलब्रिन 3 मैच में नहीं चलते तो क्या आयरलैंड मैच जीतती? नहीं जीतती। यानी कि आयरलैंड की ओपनिंग जो जोड़ी है ना मेरे फ्रेंड्स, वो अच्छी नहीं है, यानी कि ओपनिंग इनकी थोड़ी सी कमजोर है। अफगानिस्तान की ओपनिंग जबरदस्त है, यानी कि वहां के top 4 बल्लेबाज अच्छा खेलते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं टीम के परफेक्शन की बात कर रहा हूं। अफगानिस्तान टॉप ऑर्डर यानी कि ओपनिंग में जबरदस्त खेलती है, उसके मिडिल ऑर्डर ध्वस्त हो जाता है, और आयरलैंड का मिडिल ऑर्डर मजबूत है, ओपनिंग ध्वस्त हो जाती है। तो आपको इस तरीके से टीम का क्रिएशन तैयार करना है। अब आते हैं हम सीधा ड्रीम इलेवन के। फ्रेंड्स अब सीधा हम आते हैं ड्रीम इलेवन के ऐप के ऊपर, यहां पे पूरी की पूरी डिस्कशन करेंगे, पूरा रिसर्च निकालेंगे यहीं से। ये देखिए ये आ गया आयरलैंड और अफगानिस्तान, 8 घंटा 12 मिनट बाद ये मैच शुरू होने वाली है। अब देखिए जल्दी जल्दी हम इसके अंदर आते हैं। मैंने फिलहाल इसके अंदर 3 टीम क्रिएट कर रखी थी, बेसिकली 3 टीम, चलो हम उसी 3 टीम के अंदर चेंज करते हैं।
आइए देखिए मेरे फ्रेंड्स क्या है कि आर गुरबाज देखिए दो मैच में फ्लॉप हुए, दो मैच में चले, आज का मैच मतलब ये भी वही हाल है जब अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान दो मैच हारी तो गुरबाज साहब नहीं खेले, और दो मैच अफगानिस्तान जीती तो गुरबाज साहब उसमें ड्रीम टीम का हिस्सा है, इनके इनके स्टैट्स के अकॉर्डिंग तो यही दिखा रहा है। तो दोस्तों क्या लगता है ये चलेंगे? अगर मेरे प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो दोस्तों आपको दो काम करना है। दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये दोनों चलेंगे, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, टीम में दो से तीन टीम, अगर आप ज्यादा टीम बनाते हो तो जीएल के अंदर ऑब्वियसली बात है सब लोग एक टीम से तो खेलते नहीं है, अगर ज्यादा टीम बनाते हो तो या तो इन लोग दोनों को, दोनों विकेट कीपर को आप एक साथ रखो एक टीम के अंदर, या आप एल टक्कर को रखो। मेरे हिसाब से एल टक्कर है, अब हो सकता है कि आज नाव चले ये, बट मेरे हिसाब से एल टक्कर को आज अच्छा मैच खेलना चाहिए। हम यहां से आते हैं, देखिए मैंने यहां पे मेरे फ्रेंड्स बेलग्रीन को जगह दिया है, फिलहाल के लिए जगह दिया है बेलग्रीन को। क्यों जगह दिया है मैं आपको ये भी बता रहा हूं, ठीक है। हैरी टेक्टर, आप मेरे फ्रेंड्स हैरी टेक्टर को आज के मैच में किसी भी टीम से ड्रॉप मत करना। अगर आप 10 टीम बना रहे हो तो 6 टीम में हैरी टेक्टर को रखना और 3 टीम में वाइस कैप्टन बनाना। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हैरी टेक्टर को अगर आप 10 टीम बना रहे हो तो 6 टीम में रखो और 3 टीम में तीन टीम में वाइस कैप्टन बना, कैप्टन नहीं वाइस कैप्टन बना लेना। मेरे फ्रेंड्स ये आपको आज अच्छा पॉइंट्स मेरे हिसाब से जाके दे सकते हैं। देखिए प्रेडिक्शन किस तरीके से निकलते हैं, हैरी टेक्टर अगर चलते हैं मतलब ये है कि आयरलैंड के 3 विकेट जल्दी गिरेंगे, अगर जल्दी गिरते हैं तो हैरी टेक्टर आएंगे, मतलब ये है कि आयरलैंड के 3 विकेट पहले गिर सकती है, अगर 2-3 विकेट गिरता है तब जाकर आएंगे हैरी टेक्टर, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ डाउन पे आएंगे हैरी टेक्टर। तो अगर हैरी टेक्टर को अगर आपको वाइस कैप्टन बनाना है तो मेरे फ्रेंड्स आयरलैंड से ओपनिंग जोड़ी में से एक दो को खसकाना है। अब मुझे लगता है कि अगर आयरलैंड सेकेंड इनिंग में बैटिंग करती है, मेरे फ्रेंड्स कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको हर मैच में बोलता हूं, तो अब आप मेरे को बात को ध्यान से रख लेना, अगर आयरलैंड पहले बैटिंग करती है तो पॉल स्टर्लिंग को ड्रॉप मत करना। मेरे फ्रेंड्स आयरलैंड अगर पहले बैटिंग करती है तो पॉल स्टर्लिंग को ड्रॉप मत करना, और अगर आयरलैंड सेकेंड इनिंग में बैटिंग करती है तो पॉल स्टर्लिंग को टीम में जगह मत देना। आई बात समझ में? बिल्कुल माइंड में फिक्स कर लो, हारो चाहे जीतो आप जो सोच लो माइंड में कि ये मुझे, इसको मुझे रखना ही नहीं है तो मत रखो, आप चाहे मैच हारो या जीतो बस इतना फिक्स कर लो। अब आते हैं हजरत जजाई के ऊपर। देखिए मेरे फ्रेंड्स हजरत जजाई को हमें रखना जरूरी है क्योंकि ये बंदा पहले मैच में 7 पॉइंट देकर गया, दूसरे मैच में 11 पॉइंट देकर गया, लेकिन ये जो हजरत जजाई है मेरे फ्रेंड्स ये अटैकिंग बैट्समैन है, ये अटैक करके खेलता है, हालांकि गुरबाज भी अटैकिंग बैट्समैन है, लेकिन हजरत जजाई अगर कुछ देर तक टिक गए तो भाई साहब ये धुआं उड़ाता है, ये छक्के चौके फिर मारना शुरू करता है, ये रुकता नहीं है बंदा, लेकिन ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लेते हैं। तो मुझे लग रहा है कि गुरबाज आज स्टार्टिंग में टाइम लेंगे और ये सॉरी आज मुझे लगता है कि जजाई आज स्टार्टिंग में टाइम लेंगे और कम से कम 40-50 रन इनको मारना चाहिए, मुझे लगता है मारना चाहिए क्योंकि नाम भी है और अच्छे बैट्समैन भी है तो इनको थोड़ा स्कोर करना चाहिए, तो इसलिए मैंने इनको अपने टीम में जगह दे रखी हजरत जजाई को। अब आते हैं आई जडान। मेरे फ्रेंड्स ये मेरे लिए ना मतलब क्या बोलते हैं किसी किसी प्लेयर से ना वो हो जाता है, तो ये प्लेयर बहुत अच्छा खेलता है, बैट्समैन बहुत अच्छा है, टेक्निकल बैट्समैन मैं इसको मानता हूं, अब ये है कि ये खेल नहीं पा रहा है, बट मुझे लगता है आज के मैच में इस बंदे को खेलना चाहिए, वन डाउन आएगा और ये जडान आज के मैच में ड्रीम टीम का हिस्सा बनना चाहिए, बट मेरे फ्रेंड्स आंख बंद करके किसी पे भरोसा तो करते नहीं है, इसलिए इस बंदे को रोटेट कर लेना, ठीक है मेरे दोस्त। क्या करना है, आई जडान को रखना, आई जडान को रखना लेकिन रोटेट कर लेना। अब बारी आती है ऑलराउंडर सेक्शंस में। अब ऑलराउंडर सेक्शंस में मेरे फ्रेंड्स नाबी, देखिए मैं जिसको जिसको बोल रहा हूं ना आप उस पर नोटिस कीजिएगा, मोहम्मद नाबी, मेरे फ्रेंड्स मोहम्मद नाबी को किसी भी टीम से ड्रॉप मत करना। मेरे दोस्त मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि मोहम्मद नाबी को किसी भी टीम से कतई ड्रॉप मत करना, ठीक है।
अब मैं आपको एक बात और बताता हूं, आप कोशिश ये करना मेरे फ्रेंड्स कि मोहम्मद नबी को 10 टीम अगर आप बनाते हो तो 5 टीम में कैप्टन बना देना। दोस्तों मुझे लग रहा है कि आज नबी कैप्टन बन सकता है, कैप्टन का रोल अदा कर सकता है, मतलब कैप्टेंसी का नौ नबी को खेलना चाहिए, अब नहीं तो कब खेलेगा। इस वजह से मेरे प्रेडिक्शन में बाहर निकल के आए हैं, मेरे प्रेडिक्शन में आज नबी बाहर निकल के आए हैं मेरे फ्रेंड्स कि आज नबी को अच्छा खेलना चाहिए। तो आप कैप्टन बना लेना। अब आपका इंस्टिंक्ट अगर कहता है कि नहीं ये सही नहीं है या सही नहीं हो सकता है तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, बट मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि आज नबी को कम से कम 90 से 110 के आसपास पॉइंट देना चाहिए। देखते हैं क्या होता है, मैच जब होगा तो फिर देखेंगे। इसके बाद सिमी सिंह, दोस्तों सिमी सिंह हो सकता है कि सिमी सिंह को हटाया जा सके और कैंफर को खिलाया जाए, या डिलेनी को हटाकर कैंफर को खिलाया जाए, बट मुझे लगता है कि आज कैंफर खेलेंगे। अगर नहीं भी खेलते हैं तो भी सिमी सिंह को आप रखना, और क्यों रखना मैं आपको आगे भी बता रहा हूं इस चीज को क्यों रखना। अब आते हैं बॉलिंग सेक्शन में। बॉलिंग सेक्शन में मेरे भाई राशिद खान फॉर्म में वापस लौट चुके हैं। मैकार्थी को मेरे लिए ट्रम्प कार्ड प्लेयर हैं, आप इनको रख लेना, अपनी टीम में जगह दे देना। उसके बाद मुजीबुर रहमान मेरे फ्रेंड्स, ये मेरे लिए ट्रम्प कार्ड हैं, इनको आप अपनी टीम में जगह देना। जोशुआ लिटिल मेरे लिए ट्रम्प कार्ड है, इनको अपनी टीम में जगह दे देना। और अब आपको क्या करना है, मार्क एडायर को मैकार्थी से, मेरे फ्रेंड्स क्या करना है, मार्क एडायर को मैकार्थी से रोटेट करना है, और राशिद खान को किससे रोटेट करना है, एफ मलिक से, और फिर मैकार्थी को ही एफ हैंड से रोटेट करना है टीम के अंदर। तो आपका क्या होगा कि नीचे का कॉम्बिनेशन 4 मैच में अगर इस तरीके से आप करते हो तो नीचे की कॉम्बिनेशन में आपकी किसी एक टीम के अंदर चारों के चारों ड्रीम टीम के हिस्सा होंगे। तो 4 प्लेयर आपके ऐसे ही निकल गए, और स्टार्टिंग के तो हैं ही हैं, तो आपके ड्रीम टीम में 10 प्लेयर आराम से ड्रीम टीम के हिस्सा हो जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि आज का मेरे फ्रेंड्स मेरे अकॉर्डिंग कि क्या मुझे लग रहा है कि आज की टीम की फॉर्मेशन किस तरीके से होनी चाहिए। तो दोस्तों मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि यहां से बेलब्रीन को शायद मैं जगह ना दूं। दोस्तों अब आपको मैं जो मेरा फॉर्मूला है, जो मेरा पैटर्न है, मैं उसके अकॉर्डिंग अगर बात करता हूं तो मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। दोस्तों मैंने हमेशा बोला है कि सिलेक्शन पर्सन के अकॉर्डिंग 0 से 30% के कम से कम 2 से 3 खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो ड्रीम टीम में ग्रैंड लीग के रैंक 1 वाले टीम के अंदर, किसी भी ग्रैंड लीग के रैंक 1 वाले टीम के अंदर 0 से 30% के 2 से 3 खिलाड़ी जरूर होते हैं, हर मैच में होंगे। तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो क्या जो हमने सिलेक्शन प्लेयर्स का किया हुआ है उसके अंदर ऐसे कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो 0 से 30% के अंदर है, अगर आप हम देखने जाते हैं तो उसके अंदर नहीं मिलेंगे। इस वजह से आज की टीम थोड़ी सी लोगों के लिए रिस्की होने वाली है, और थोड़ा सा प्रेडिक्शन करना लोगों के लिए मुश्किल होगा। बट फिर भी अब मैं आपको बताता हूं कि वो 3 प्लेयर कौन से हैं जो आपके लिए ट्रम्प कार्ड साबित होंगे, काट देंगे सबको। अब ये देखिए क्यों मैं बोल रहा हूं, मैंने बोला था ना कि टीम का फॉर्मेशन आज कुछ अलग तरीके से होगा, अब बताता हूं कैसे। ये देखिए मैंने आपको बोला कि मोहम्मद नबी को आपको रखना है, बिल्कुल 100% रखना है। आज डॉकरेल को मेरे फ्रेंड्स कोई भी ड्रॉप नहीं करेगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप ही ड्रॉप मत करो, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि बाकी सारे लोग डॉकरेल को ड्रॉप नहीं करेंगे। 86% का सिलेक्शन है, क्योंकि डॉकरेल पिछले 4 मैचों में अच्छे तरीके से खेल के आए, यानी कि पिछले 4 मैचों में डॉकरेल अच्छे तरीके से खेल के आए हैं, और आप रिस्क लेना चाहते हो, जीएल के लिए पेशेंस है और रिस्क लेना चाहते हो, फैंटेसी के प्लेयर हो तो रिस्क लो, और अगर रिस्क लेना चाहते हो तो डॉकरेल को ड्रॉप कर दो, 10 में से 6 टीम में से ड्रॉप कर दो। मुझे लगता है कि आज शायद ये ड्रीम टीम का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो इस वजह से मैं
मेरे दिमाग में फिक्स हो जाता है, मैं किसी भी टीम में इस बंदे को नहीं रखूंगा, मैं टेलीग्राम पे टीम दूंगा तो भी आप देख लेना, मैं इसको किसी भी टीम में जगह नहीं दूंगा। आपको सोचना है आपको रखना है या नहीं रखना है। मेरे प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग जाओगे तो मैं इसको जगह नहीं दूंगा। अब यहां पे आपको क्या बचता है, मैं आपको दिखा रहा हूं, नाभी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिल्कुल भाई मेरे दोस्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नाभी को जगह देना ही देना है, हर टीम में देना है। सिमी सिंह, अब आपके प्लेयर कौन से बचते हैं जो 0-30% के सिलेक्शन के अंदर है, 0-30% के सिलेक्शन के अंदर वो कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो आपको अच्छी रैंक लाके दे सकते हैं, तो उसमें से एक हैं उमर जाई, सिमी सिंह, एस अशरफ। मेरे फ्रेंड्स ये वो तीन खिलाड़ी हैं जिनका सिलेक्शन परसेंट बहुत कम है और इनको लोग छोड़ रहे हैं। आपको क्या करना है, मैंने कल के मैच में भी बताया था, कल की वीडियो में मैंने आपको ये बताई थी बात कि आपको करना क्या है मेरे दोस्त, आपको ये करना है कि जिनको लोग छोड़ रहे हैं उन्हीं को आपको पकड़ना है। यहां से देखिए, अब आपको इन्हीं लोगों को रोटेट करना है, एक नाभी को आप कंप्लीट रखो और यहां से उमराजाई, सिमी सिंह और एस अशरफ। तो मेरे ख्याल से एक टीम में मैंने सिमी सिंह को जगह दे दिया, ठीक है। और इसमें से एक आप और काम कर सकते हैं कि यहां से हम उमराजाई को जगह दे दिए, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से मैंने टीम का फॉर्मेशन तैयार किया। कुटिस कैंपर खेलते हैं तो इनको तो रखना ही रखना है, और अगर आपको देखते हो कि कुटिस कैंपर खेलते हैं तो आपको क्या करना है कि यहां से सिमी सिंह को हटा के कुटिस कैंपर और यहां से उमराजाई, ये देखिए इस तरीके से टीम को तैयार करना है दोस्तों। अब इसके अंदर मैंने कैप्टन बनाया है किसको, देखिए कैप्टन के चॉइस मेरे फ्रेंड्स कौन है, तो 4% के सिलेक्शन में मोहम्मद नाभी आते हैं दोस्तों। अगर नाभी का सिलेक्शन 10% से ऊपर जाता है, कैप्टन का सिलेक्शन परसेंट नाभी का 10% से ऊपर जाएगा तो आप इनको सीधा चेंज कर देना वाइस कैप्टन में, ठीक है। बात को ध्यान से सुन लेना, अगर 10% से ऊपर जाएगा तो नाभी को वाइस कैप्टन में कन्वर्ट कर देना, कैप्टन मत बनाना फिर, ठीक है। आप कैप्टन किसको बना देना फिर, कैम्फर को। यहां से मैंने हैरी टेक्टर को वाइस कैप्टन बनाया और नाभी को कैप्टन बनाया है इस टीम के अंदर, और ये रही मेरी पहली टीम जो मैंने यहां पे आपको तैयार करके दिखाई है। अब मैं इस टीम को सेव करता हूं। अब देखिए मैंने दूसरी टीम किस तरीके से तैयार किया है, ये देखिए दूसरी टीम के अंदर मैंने, मेरे फ्रेंड्स मैंने क्या किया है कि जोशुआ लिटिल और मैकार्थी को मैंने जगह दिया है। मैकार्थी मेरे लिए ड्रीम टीम के हिस्सा होते हैं, जोशुआ लिटिल भी ड्रीम टीम के हिस्सा बनेंगे, मेरे लिए ट्रम्प कार्ड साबित होंगे। और मुस्तफिजुर रहमान, मेरे फ्रेंड्स मैं भूल गया, एम रहमान को आप ड्रॉप मत करना। किसको किसको ड्रॉप नहीं करना, एम रहमान को मत ड्रॉप करना, मैकार्थी को मत करना, नाभी को मत करना, जाडन को मत करना, टेक्टर को मत करना, और पॉल स्टर्लिंग अगर पहले बैटिंग करते हैं तो इनको ड्रॉप मत करना, हजरत जजाई को भी ड्रॉप मत करना, रोटेट कर लेना, मतलब मेरे लिए 50-50 के प्रेडिक्शन में आते हैं। लेकिन मेरे फ्रेंड्स इसके अलावे ऑलराउंडर सेक्शंस में 2 प्लेयर आपको आएंगे, यानी कि आज की जो टीम की फॉर्मेशन होगी मेरे दोस्त वो होगी, वो किस तरीके से होगा मैं अब आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए ये लास्ट, ये टीम में एल टक्कर को रखा, यहां से हैरी टेक्टर, हजर जजाई, आई जार्डन को रखा, इसके बाद यहां से नाभी, उमराजाई, सिमी सिंह, और यहां से मैंने क्या किया है कि जोशुआ लिटिल, मुस्तफिजुर रहमान, और यहां से मैंने दोस्तों राशिद खान को हटा के क्या कर दिया है, एस अशरफ को रख दिया है, ठीक है। ये देखिए एस अशरफ को रख दिया दोस्तों। मेरे हिसाब से ये एक ड्रीम 11 में ग्रैंड लीग की टीम तैयार होने के कगार पे है, तो ये इस टीम को आप बिल्कुल ऐसे ही रखना मेरे फ्रेंड्स, बिल्कुल इस टीम को ऐसे ही रखना। और इसके अंदर आपको क्या करना है, ये देखिए मैकार्थी, मुस्तफिजुर रहमान और जोशुआ लिटिल, इनमें से इनको आप सेम रखना मेरे फ्रेंड्स, आप मेरी बात को ध्यान से सुन रहे मैं क्या कह रहा हूं, इनको आप सेम रखना, इसको आप बिल्कुल सेम रखना, इसको भी आप मत छेड़ना। दूसरे वाले टीम के अंदर आप क्या करना, हैरी टेक्टर तो है ही, हजरत जजाई को हटा के एंडी बेलब्रीन, और यहां से एल टक्कर को हटा के आप गुरबाज को रख देना, ठीक है दोस्तों। पता है क्या है, इसी तरीके से टीम को तैयार करने में ना सोचने में टाइम लग जाता है। बहुत सारे मेरे दोस्त मैसेज करते हैं, कमेंट भी करते हैं कि आप टीम बहुत लेट देते हो। दोस्तों क्या होता है ना कि सोचना पड़ता है, सोचने में टाइम हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि लाइनअप ही आता है 15 मिनट बाद, हमारे पास टाइम होता है 15 मिनट का और टीम है 10। अब उस 10 टीम को तैयार करने में ही अच्छा खासा वक्त बीत जाता है, इसलिए थोड़ा सा टीम को मुझे पोस्ट करने में टाइम लग जाता है। इस वजह से मैं बोलता हूं कि आप लोग टीम को खुद से रेडी करो, बस आप फॉर्मेट देख लो कि फॉर्मेट क्या है। तो इस तरीके से मेरे फ्रेंड्स अब इसमें क्या करना है, मैंने एम रहमान को ही कैप्टन, एम रहमान को ऐसे कर दीजिए, इसमें आप
एम रहमान को वाइस कैप्टन बना दीजिए, वाइस कैप्टन कर दीजिए, और नाभी को कैप्टन कर दीजिए, ठीक है। इस तरीके से मेरे दोस्त, पता नहीं क्यों क्या होता है कभी कभी ना, कि मेरे फ्रेंड्स कभी कभी इंस्टिंक्ट ना आपके ना हमेशा एक ही, कितना भी घूम फिर के जाइएगा ना, कितना भी घूम फिर के जाइएगा तो कैप्टन और वाइस कैप्टन का चॉइस में ना आप एक ही जगह पे जाके अटक जाते हैं। इस वजह से मुझे इस बारी ना नाभी पे जाके अटक रहा हूं, बार बार मेरा दिमाग नाभी पे। जैसे उस दिन मैंने क्या बोला था कि राशिद खान पे आके मेरा दिमाग अटक रहा है, कल के मैच में जंपा और जैक बॉल पे आके अटक रहा था, तो वही हुआ। आज भी इम रहमान पे, लिटिल पे और मैकार्थी पे आके दिमाग अटक रहा है, नाभी पे अटक रहा है। तो मेरे हिसाब से तभी मैंने बोला कि ये लोग हमारे ड्रीम टीम के हिस्सा रहेंगे और मेरे लिए ट्रम्प कार्ड के प्लेयर्स रहेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप टीम का प्रीव्यू आप देख लीजिए, इस तरीके से आपको टीम तैयार करनी है। दोस्तों रोटेट करो, एक एक प्लेयर्स को रोटेट करो, रिस्क लो, 20 टीम बनाओ, लेकिन टीम का फॉर्मेशन इस तरीके से रखो और एक एक प्लेयर्स को रोटेट करते जाओ। मेरे फ्रेंड्स, कोई ना कोई टीम आपकी रैंक वन नहीं तो कम से कम टॉप 500 के अंदर जाएगी ही जाएगी। तो दोस्तों ये फिलहाल मेरे तरफ से ये एनालिसिस है, ये मेरे टीम हुए जो ड्रीम टीम के हिस्सा मेरे प्लेयर्स होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दूसरी चीज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, और मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरी चीज़ों पे आप फेथ कर रहे हैं, मेरी प्रेडिक्शन पे आप फेथ कर रहे हैं, तो दोस्तों मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको इस तरीके से टीम क्रिएट करके दूँ और आप इस चीज़ से ग्रैंड लीग जीत पाओ और अच्छे तरीके से जीतो। मेरी दिल से दुआ है आप लोगों के लिए, आप सबकी किस्मत अच्छी हो, आप सब लोग जीतो, मैं भी जीतूँ, आप भी जीते, सबके सब जीतें। तो आप अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी करो, कमेंट भी करो, बेशक करो कमेंट, बेशक आप डिसलाइक भी करो। अगर आपकी वीडियो, अगर मेरी वीडियो में कोई कमी आती है तो आप डिसलाइक भी कीजिए, कमेंट करके बताइए क्या कमी है, मैं उस कमी को दूर करके नेक्स्ट वीडियो में आपकी जिस तरीके से आप चाहते हैं उस तरीके से मैं वीडियो लेकर आऊँ। तो दोस्तों चलते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।